आठ सबसे ऊंचे हैं, वो ऊंच में से निकलेंगे, मीडियम में से निकलेंगे या नीचे में से निकलेंगे? तो सूर्यवंशी में से निकलते हैं, वो है ज्ञान सूर्य। तीसरा नेत्र त्रिनेत्री, वो सूर्य के बच्चे भी सूर्य समान है। वो दो माताएं अलग, उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है, वो शिववंशी में नहीं आ सकते, रुद्रमाला के मणकों में नहीं है, राजा नहीं बन सकते। बड़े बड़े आदमी बड़ी युक्ति से पकड़ना चाहिए, बड़ी युक्ति से, हाँ बड़ी युक्ति से पकड़ना चाहिए, हाँ वाहवाई, हाँ बड़े बड़े आदमी बाप बेहद की भाषा बोलते हैं या हद की भाषा बोलते हैं? है बेहद की भाषा, तो बाप की बेहद की भाषा में बड़े कौन है? दीदी दादी बड़े हैं। बाप की बेहद की भाषा में बड़े वो हैं जो माला के मणके बनते हैं, अष्टदेव बनते हैं, 108 की माला में आते हैं, ब्रह्मा की हजार भुजाओं में आते हैं, उनको बड़ी युक्ति से पकड़ना चाहिए। युक्ति की बातें वो समझेंगे या दुनिया वाले समझेंगे? बोल सकते हैं। भगवान मगर देश में आते हैं, माना मगरमच्छ छोटी देश में आते हैं, जो छोटी छोटी मछली हो तो आप उतर जाते हैं, उसका बेनिफिट क्या? मगध देश, मुरली में बोला है मगरमच्छों का देश है, जहां गंगा और यमुना नदी बहती है, गंगा नदी में भी बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और यमुना नदी में भी बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? है मगरमच्छ के ऊपर। तो जहां ऐसे मगरमच्छ पैदा होते हैं जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, ये मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य माने मछली, उनका न्याय क्या है? जो बड़ी मछलियां बने वो छोटी मछलियों को खाए, ये उनका न्याय। तो महापापात्मा हुए या पुण्यात्मा हुए, महापापियों के देश में आता हूं। हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, बिहार और यूपी के लोगों से लोग बहुत डरते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर राक्षस हैं कि 40-40 45-50 लोगों के परिवार को भून देते हैं। इतना बड़ा थर थल्ला मचाने वाले हैं, पूरे ही मगरमच्छ हैं, सीधा ही निगल जाते हैं, ऐसों को कौन कंट्रोल करेगा? ये आज की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? है मायावती कंट्रोल करेगी? नहीं कर सकती, ये बाप ही है जो कोई से डरता नहीं है। डर देहाभिमानी को लगता है या आत्माभिमानी को डर लगता है? जो अपन को देह समझता है उसको मौत का डर रहता है, उसको अपनी देह है ही नहीं,
तो उसको मौत का कोई डर नहीं, इसलिए मगरमच्छों के देश में आता है। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती है कि माउंट आबू में आता है, माउंट आबू में आता है या मगरमच्छों के देश नॉर्थ इंडिया में आता है? यादगार कहां बनी हुई है? यादगार जो है शंकर के रूप में भगवान काशी नगरी में, राम के रूप में भगवान अयोध्या में, कृष्ण के रूप में भगवान मथुरा में दिखाई जाते हैं। तो यहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेने से पहले गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? है गुप्त होता है। तो अभी भगवान गुप्त पाठ बजाए रहा है या प्रत्यक्ष हो चुका है? है गुप्त पाठ बजाए रहा है। गुप्त पाठ बजाए रहा है माने गर्भ में है, अभी संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा तो दक्षिण भारत में नहीं लेगा, विदेशों में नहीं लेगा, कहां से प्रत्यक्ष होगा? उत्तर भारत से प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बोला यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। यूपी की पतित पावनी नदियां प्रसिद्ध हैं, वो पतित पावनी शंकर की जटाओं से निकलती हुई दिखाई जाती है। जो सारे संसार को पवित्र करने के निमित्त बनती है। और बाबा गंगा सागर कहती है कि 12 बजे गंगा जी यहाँ से चली जाती है, रात में 8 बजे जाती है। 12 बजे कहाँ चली जाती? ये तो सब जानते हैं कि इलाहाबाद का गंगा का पानी सागर में जाता है, वो तो जाता ही रहता है। जहाँ नहाते हैं वहाँ से जमीन छोड़ के और अंदर को हट जाता है, सागर वहीं से रहता है। यहाँ की गंगा इसका अर्थ यही पता ही है, गंगा सागर में नहाने जाते हैं है। तो 12 बजे देर में वहाँ से गंगा जी किनारा छोड़ कर वहाँ सूखा हो जाता है। कहाँ चली जाती है? इलाहाबाद चली जाती है। पानी लगातार आता है, वो तो आता ही रहेगा, चला कैसे जाएगा? ऐसे नहीं होता है। जो महावीर है वो जैनियों के आखिरी तीर्थंकर है। जो महावीर थे वो जैनियों के आखिरी तीर्थंकर थे, उनकी इतनी महिमा है पर पहले तीर्थंकर की इतनी महिमा क्यों नहीं है? हिंदुओं के 24 अवतार 24 भगवान माने गए हैं। उन्हीं 24 अवतारों को फॉलो करके जैनियों ने 24 भगवान मान लिए तीर्थंकर। बाप कहते हैं कि मैं एक रूप में आता हूं या 24 अवतार लेता हूं, एक ही अवतार है। और वो महावीर में आता है, इसलिए माउंट आबू में जो 16 गांव में रहने वाले लोग हैं वो वीर बाबा की आज भी पूजा करते हैं। शास्त्रों में
उस वीर बाबा की पत्नी का नाम वीरणी रखा गया है। बाबा उसे महावीरणी कहते हैं। ये महावीर और महावीरणी का पार्ट है। चौबीस चौबीस भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है। दूसरे जैन शास्त्रों में महावीर को 2500 साल पहले माना गया। महावीर और उनके 200-250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध की हिस्ट्री के पूरे प्रमाण मिलते हैं। पूरी हिस्ट्री मिलती है। महात्मा बुद्ध का ढेर बौद्ध धर्म का शास्त्र मिलता है। लेकिन उन बौद्ध शास्त्रों में कहीं भी महावीर का जिक्र नहीं है। इतना बड़ा भगवान का पार्ट, महात्मा बुद्ध से 250 वर्ष पहले जो संसार में प्रसिद्धि पा चुका था, वो बौद्ध धर्म के शास्त्रों में उसका उल्लेख क्यों नहीं है? इसे साबित होता है कि महावीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ 2500 साल पहले। ये मनगढ़ंत कथा है। जैसे हिंदुओं के 24 अवतार नहीं होते, ऐसे ही जैनियों के 24 तीर्थंकर भगवान नहीं हुए। भगवान तो एक ही है जो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में प्रत्यक्ष होता है। और बाबा बाबा वो पहले कहते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण फिर पार्वती को आने के लिए लाते, पहले कहते अभी कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और फिर शंकर का नाम पहले आ रहा है। पहले कहते शंकर फिर कहते पार्वती, ऐसे क्यों नहीं कहते पार्वती शंकर? क्योंकि शंकर में भगवान आता है ना, पार्वती में थोड़ा ही आता है। इसलिए भगवान को आगे करेंगे या पार्वती को आगे करेंगे? राधा कृष्ण कहेंगे, राधा का नाम पहले कृष्ण का नाम बाद में। सीताराम कहेंगे, सीता का नाम पहले राम का नाम बाद में। लक्ष्मी नारायण कहेंगे, लक्ष्मी का नाम पहले नारायण का नाम बाद में। लेकिन शंकर पार्वती कहेंगे। यहां पार्वती का नाम पहले क्यों नहीं? क्योंकि एक शंकर ही है जिसमें बाप भगवान प्रवेश करता है, इसलिए भगवान को आगे रखना पड़े। पार्वती को बाद में रखना पड़े। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो कौन बड़ा कौन छोटा? शिव बड़ा, शंकर छोटा, तो उसका नाम बाद में। ऐसे ही शंकर पार्वती, पार्वती में भगवान थोड़े ही आता है जो उसका नाम आगे रखा जाए। और ये पूछा गया आत्मा के अंतिम समय के संस्कारों के अनुसार
उसका गर्भपिंड तैयार होता है। कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही गर्भपिंड तैयार हो जाता है। वो गर्भपिंड निर्जीव होता है। जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है उसी सेकंड उस गर्भपिंड में निर्जीव में प्रवेश हो जाता है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। तो यहां प्रश्न है कि अगर गर्भपिंड गिर जाता है बीच में या गिरा दिया जाता है तो उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो अपने उसी शरीर में रहती है, पिछले वाले शरीर में? नहीं, गर्भपिंड के 2 रूप हो गए। एक तो निर्जीव, निर्जीव गर्भपिंड भी गिरा दिया जाता है। जब निर्जीव गर्भपिंड गिराया गया उस समय वो मनुष्य आत्मा शरीर धारण किए रहती है या छोड़ चुकी होती है? धारण किए रहती है। हाँ, वो मनुष्य आत्मा अपना चोला छोड़ दे फिर प्रवेश कर जाए और बाद में गर्भपात कराया जाए या हो जाए तो उसको दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। या तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक अकाले मौत हो गई, काल पूरा नहीं हुआ। जब तक काल पूरा न हो तब तक सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। आत्मा तो गर्भ में ही मार दी गई थी। आत्मा थोड़े ही गर्भ में मार दी जाती है। गर्भ पूरा पक गया। अरे जैसे शरीर छोड़ता है आदमी तो अकाले मौत हो गई तो वो आयु पूरी हुई? आयु पक गई? नहीं हुई, तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। ऐसे ही गर्भपिंड में अगर अकाले ही गर्भपिंड नष्ट हो गया तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया है तो, अगर आत्मा ने प्रवेश नहीं किया इसका मतलब वो आत्मा शरीरधारी कहीं जीवित है, उसके शरीर छोड़ने से पहले ही गर्भपिंड खत्म हो गया तो दूसरी बात होगी। लेकिन संस्कारों के आधार पर बनाता ना शरीर। हाँ, आत्मा के संस्कारों के आधार पर। हाँ, तो अगर वो खत्म हो जाता है फिर वो दोबारा संस्कारों के आधार पर शरीर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बाबा, हमारे भैया और लौकिक बाप की ऐसी बुद्धि कर दो कि वो ज्ञान में आ जाए। अरे बाबा के ढेर बच्चे हैं और यूं कहें कि शिव बाप के तो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, तो सबकी बुद्धि चेंज कर दें, सबके अम्मा बाप की, लौकिक संबंधियों की, कि एक तुम्हारी ही कर दें? तुम स्पेशल पुरुषार्थी हो क्या? अगर स्पेशल पुरुषार्थी हो तो भीख मांगेंगे ही नहीं, क्या करेंगे? वो अमृत वेले का पुरुषार्थ करेंगे,
अमृत वेले के पुरुषार्थ में उस आत्मा को सर्च लाइट देंगे, रेगुलर सर्च लाइट देंगे, पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ ले लेंगे। बाप के बच्चे भिखमंगा नहीं होते, और भीख मांगने वालों को बाबा कुछ भी देता नहीं। चार भुजाएं हैं, चारों शक्तियां हैं, चलाने वाली तो एक आत्मा है, एक पिता है, जब तीन शक्तियों तो बच्चे भी अलग अलग होंगे ना बाबा। जैसे लौकिक में एक माता के चार बच्चे होते हैं तो चारों बच्चे अलग अलग दिशाओं को भागते हैं, माँ बाप की बात को नहीं सुनते हैं, तो वैसे ही चार भुजाएं हैं, चार शक्तियां हैं, तो बच्चे भी क्या चार प्रकार के होंगे, चार तरह के होंगे। चार शक्तियों के नाम क्या है? वो राधे बाबा यानी स्वदर्शन चक्र है, और गदा ब्रह्म बाबा, और शंख यानी वेदांती माता, और कमल का फूल यानी जगदम्बा। तो चार आत्मा रूपी भुजाएं हैं, इन चार आत्मा रूपी भुजाओं को चलाने वाला कौन है? हैं? ब्रह्मा को चतुरानन और पंचानन भी कहा जाता है। आनन माने मुख, मुख में आत्मा रहती है। तो ये चार आत्माएं हैं कंट्रोल्ड होने वाली, और इन चारों को कंट्रोल करने वाला है एक बाप। बाबा इनके बच्चे भी होंगे क्या? जो ये सब बच्चे नहीं बैठे हैं, और क्या बैठे हैं? नहीं बाबा, तो फिर तो मतलब सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग किस कैदी में आएंगे बाबा, किस किस? अरे जो जिसके बच्चे होंगे ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे तो ब्रह्मा जैसी गति को पाएंगे, लक्ष्मी को फॉलो करने वाले होंगे तो राधे ही राधे राधे ही राधे कहेंगे, राधे के संस्कारों वाले होंगे। जगदम्बा को फॉलो करने वाले होंगे तो जरूर महाकाली की भुजाएं होंगे। जगदम्बा के जो संस्कार, आदि में दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली, और अंत में असुर संहारिणी महाकाली, तो संस्कारधारी होंगे ना, यहीं तो बैठे हुए हैं सब। बाबा ने माँ बांधेली माताओं के लिए बताया है कि बंधन के कारण माताएं भट्ठी नहीं कर पाती हैं, फिर भी ज्ञान और योग में रहती हैं, तो उनकी भट्ठी ही मानी जाएगी, क्योंकि बाप के पार्ट पर निश्चय है। यदि ऐसा माना जाए तो ऐसी माताएं बाबा से मिल सकती हैं या नहीं? अगर रेगुलर क्लास कहीं अटेंड करती हैं, कितनी भी बांधेली है, तो महीने में एक दो बार तो संगठन क्लास में ब्राह्मणों के परिवार में आएंगी या नहीं आएंगी? माँ अपने बच्चों को छोड़ के रह सकती है क्या? परिवार को छोड़ के रह सकती है? नहीं रह सकती। तो असल में अगर बांधेली माताएं हैं तो कैसे भी कोशिश करके महीने दो महीने में एक दो संगठन जरूर अटेंड करेंगी, बाकी अपने घर में चोरी छिपे मुरली पढ़ती रहे, सुनती रहे, देखती रहे, तो क्यों नहीं बाबा से मिल सकती हैं?
लेकिन इन बातों का प्रूफ चाहिए। बाबा वो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को गर्भ कहा है, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को गर्भ कहा है, विष्णु के हाथ में गदा है, विष्णु के चार चार हाथ है, एक में गदा है, वो ब्रह्मा का नाम क्यों? विष्णु कोई अलग से है, कोई आत्मा क्या? चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु कहा जाता है। चारों ही आत्माओं में स्वभाव संस्कार के आधार पर विषय वासना खत्म हो जाती है। विष्णु नो विषय काल, विषय वासना खत्म, इसलिए विष्णु कहा जाता है। लेकिन बाबा वो ब्रह्मा को क्यों गदा कहा जाता है? ब्रह्मा को क्यों गदा कहा जाता है? जो आत्मिक होता है उसको क्यों गदा? वो गधा अलग होता है और जो हाथ में गधा पकड़ने का है वो अलग होता है। कैरी गधा, कैरी के गधा है। एक माता है उनको गानों को सुनाई नहीं आ रहा, रेगुलर क्लास करने आती है थी और वो भर्ती के लिए चेयर रही है, तो उनको भर्ती कराना है या मतलब एक माता है कि ग्वालियर, उन्होंने गानों को सुनाई नहीं आता और रेगुलर क्लास करने आती है, मतलब गीता पाठशाला पर और वो भर्ती के लिए चेयर रही है, तो उनको भर्ती कराना, लेकिन उन्हें गानों को सुनाई नहीं आता। माने बाबा ने मना कर दिया है जिनके कान कटे हुए हो तो उनको भर्ती नहीं करानी है? अरे आज की गवर्नमेंट तो जो लूले लंगड़े अंधे कोने काने खुतरे हैं उनको और ज्यादा प्रेफरेंस देती है। बाबे भी रुद्रमाला के मणकों को प्रेफरेंस देता है। ये रुद्रमाला के मणके कोई टूटी हुई बाह वाले हैं। कोई टूटी हुई टांग वाले हैं। पुरुषार्थ की तीव्र गति में दौड़ ही नहीं सकते। टूटी हुई बाह वाले माने उनकी सहयोगिनी शक्ति उनका साथ ही नहीं देती। फूटी हुई आंख वाले हैं। कोई दाहिनी आंख से फूटे, कोई बाईं आंख से फूटे, कोई को अवगुण दिखाई नहीं देते तो कोई को गुण नहीं दिखाई देते। कोई कान के बहरे हैं। बाबा रोज मुरली सुनाता रहे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, जैसे कान है ही नहीं। ये सारे ही रुद्रमाला के मन के डिफेक्टेड हैं। उनको बाबा पहले आके ज्ञान सुनाता है, पहले गले लगाता है और आप कहते हैं कि जो बहरी माता है हम उसको भट्टी में ही नहीं आने जाने देंगे? हैं? माता ने सवाल पूछा। पूछा तो आपने, माता ने थोड़ी पूछा। अब और पीछे एक आत्मा जो आप माता, आप माता के ब्रह्मा बाबा हैं क्या? ब्रह्मा और माता के साथ में बहुत दर्द होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा ये आत्मा इस तरह से पड़ी नहीं, लेकिन मतलब बहुत मन में लगता है कि बाबा के लिए, अपने प्यारे बाबा के लिए जी लिख के भेजे जी, मतलब भेजे, लेकिन मन की मन में रह जाती है। तो लिखवा लिया करें अपने मन की बात किसको बता दे? तो बताए मन की जो बताने की। ऐसी तो कोई आत्मा होती नहीं जिसका इस दुनिया में कोई दिलावर न हो शिव बाबा के अलावा। शिव बाबा के अलावा कोई न कोई दिलावर होता है कि नहीं, जिससे दिल की बातें रज रज के करते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या बाबा ने कहा कि जो आत्मा शरीर में चार महीने पहले तैयार होता है, जो आत्मा शरीर में मौजूद है उसके शरीर छोड़ने से चार महीने पहले उसका दूसरा गर्भपिंड
तैयार होता है। हाँ, वो गर्लफ्रेंड शरीर छोड़ दे। नहीं, जैसे अभी चार महीने बचे हैं उसको ये पुराना शरीर छोड़ने के। हाँ। और उसके दो महीने तो गर्लफ्रेंड रह गए। हाँ। तो दो महीने बाद गर्लफ्रेंड नष्ट हो गया। वो गर्भपिंड निर्जीव है ना, वो गर्भपिंड जो निर्जीव है वो टूट फूट जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो वो आत्मा जिसका शरीर मौजूद है वो अपना अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छे संस्कार भी बना सकती है, अगर ज्ञान में आ गई तो और भी अच्छे बनाएगी। इसलिए उसके भूत प्रेत बनने का सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल बढ़ सकती है अगर अच्छा पुरुषार्थ करे। और क्या बेहद होता है। बाबा मुरली में बोला है, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। ये तीन बार कल्प क्यों बोला है? वास्तव में तीन बार ही नहीं बोला है, मुरली में खुलासा भी किया है, मैं कल्प पहले मुआफिक कल्प कल्प कल्प, तीन बार कल्प बोला, कल्प पहले मुआफिक कल्प 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 आता हूं संगम युग पर। इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल के संगम युग में जब सतयुगी शूटिंग पूरी होती है और त्रेतायुगी शूटिंग पूरी होती होने वाली को शुरू होने वाली होती है, उस समय के लिए वाक्य लागू होता है कि संगमयुगी कल्प की आवृत्ति हो चुकी, माने जो सतयुगी देवतावर्ण की आत्माएं हैं वो चार अवस्थाओं से पसार हो गई 75 में। तो बोला कल्प पहले मुआफिक, फिर त्रेतायुगी कल्प की शूटिंग, फिर द्वापरयुगी कल्प की शूटिंग, फिर कलयुगी कल्प की शूटिंग, चार बार अवतार लेता हूं। ये शूटिंग पीरियड की बात है, उसको क्लियर करने के लिए चार बार कल्प बोला है। और सिंहासन में 32 पुतलियां सी, वो समय अनुसार वो समय पर काम लिया करती थी। तो यहाँ ज्ञान वाली, ये 32 पुतलियों वाली बात कोई मुरली में बोली है क्या? है सिंहासन 32 की जो कथा कहानी है वो मुरली में बताई गई है क्या? है बताई गई है? टीवी में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता रहता है, वो सब बुद्धि में भरा रहता है, मुरली के पॉइंट याद नहीं आएंगे। और जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसका कपड़ा उतार करके जलाते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म वाले ऐसा करते हैं या सब धर्मों में करते हैं? हाँ, जो देवता धर्म की आत्माएं हिंदू बनती है वो ही ऐसा करती है, क्योंकि जो देवता धर्म की आत्माएं हैं
वो अपने देह अभिमान के कपड़े को पूरा जला के खाक कर देती है। जब देह अभिमान को पूरा जला दें, तब आत्मा योगाग्नि में कंचन बनेगी। अगर देह अभिमान रूपी कपड़ा रह जाएगा तो आत्मा कंचन बनने वाली नहीं है। दूसरे धर्मों वालों का देह अभिमान रूपी कपड़ा रह जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने देह अभिमान को जमीन में गाढ़ते हैं, जमीन अर्थात कन्या माता रूपी धरणी में अटैच कर देते हैं। तो अटैचमेंट बढ़ेगा, मिट्टी का अटैचमेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इसलिए उनके यहां ये मान्यता है कि वो धरणी में गाढ़ते हैं, पूरा जलाते जलाते नहीं, और हिंदुओं में जलाते, जलाने से पहले कपड़ा उतार देंगे। तो हमको भी बाबा कहते हैं क्या करो, अपन को आत्मा समझो, देह को भूल जाओ, माने देह का वस्त्र उतार दो, आत्मा नंगी करो, फिर बाप से मिलन मनाओ। अगर देह अभिमान का वस्त्र रखेंगे तो विधर्मी आत्मा है। देवी देवता सनातन धर्म के नहीं है, है?